हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि बेनीवाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं लिप्स की शेप एंड कैसे शेड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके आपको मैं लिप ड्रॉ करके कि आप कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और शेड करके बताऊँगी एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, फिर आपको लाइन के सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है। अगर आपको थोड़े ओपन लिप्स ड्रॉ करने हैं तो आप थोड़ा लाइन से दूर ओवल टाइप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो नीचे की साइड दो ओवल टाइप सर्कल बनेंगे। फिर आप मेजरमेंट लेके आप दोनों साइड इक्वल एक लाइन खींचिए और फिर आप लिप्स की शेप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप अपने शेप से सेटिस्फाई हो जाएं तो आप पूरे अपने लाइंस जो थी उन्हें रब कर लीजिए और लाइटली रब कीजिए। फिर बाद में एक शार्प पेंसिल लेके आप उसे फिर से ड्रॉ कर दीजिए। देन उसके बाद लेयर वाइज शेडिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अपने लिप्स ड्रॉ और शेड कर लिए हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी लिप्स इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बिग लिप्स। तो इस स्केच को मैं साइड हटा के अब बड़े वाले पेज में मैं बनाऊँगी। तो आपको मैं उसको बताऊँगी कि किस तरीके से आप शेडिंग कर सकते हैं। पर मैंने फर्स्ट लेयर के लिए 4B पेंसिल का यूज़ किया है। तो मैं इसे लाइटली शेड करूँगी फर्स्ट लेयर के लिए, बेस के लिए। अब मेरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसमें ब्रश का यूज़ करके अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं सेकंड लेयर 6B पेंसिल से करूँगी। फिर मैं लिप्स के अंदर के आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ।
जब आप अच्छे से ब्लेंडिंग कर लें तो फिर आप 10B पेंसिल का यूज़ करके और जो भी डार्क एरियाज़ हैं उसे शेड और लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट के लिए मोनो इरेज़र यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जिस मेथड को यूज़ करके हमने ऊपर वाले लिप्स शेड करे हैं उसी तरीके से हम नीचे वाले लिप्स को भी शेड करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरी शेडिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ये सब मेरे चैनल को कीजिए। थैंक यू।